में टाटा पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस समय 380 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 4% की तेजी रही। और इस समय टाटा पावर को लेकर के जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं वो काफी स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि पहली न्यूज हमने मोदी के तरफ से 1 करोड़ सोलर रूफटॉप की बात सुनी थी और उसके बाद ये कंटिन्यू करा। अगेन एक बड़ी खबर इस स्टॉक में दिखी है, इसको समझे, इससे पहले ट्रेंड को समझे, आज के कामकाज को देखें, इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। 380 का प्राइस ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी खबर यहां देखेंगे, 1040 किलोवाट सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के एक न्यूज आते हुए दिखी है, जिसको कंपनी ने कमीशंस करे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट्स इस समय ट्रेड होते दिख रही है। इसके अलावा जो 9 फरवरी है वो एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 9 फरवरी को कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स डिक्लियर होंगे और क्वार्टरली नंबर से इस प्रकार की तेजी इस बात का गवाह है कि नंबर्स काफी बेहतर आ सकते हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। हायर वॉल्यूम के साथ कंपनी ट्रेड कर रहा है, सेलर है यहाँ ज्यादा, लेकिन जो डोमिनेंट है वो बायर ही है। डिलीवरी ठीक ठाक है और रिसेंट के टेक्निकल ट्रेंड भी कंटिन्यू स्ट्रांग दिखे हैं। डिलीवरी पॉजिटिव दिखी है। एक बार अगर इसके चार्ट को देखें तो हमने क्या कहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, कि ये हैमर कैंडल वीकली पे बना है, इस समय 360 हमारे लिए सपोर्ट है और जो अपर टारगेट है 390 के आसपास के लेवल्स को आज इसने टच करा। अब इसके बाद 440 और 520 जैसा लेवल्स भी नेक्स्ट 1 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है। इस समय मेजर सपोर्ट 360 है और 360 एक मेजर सपोर्ट है, लेकिन वीकनेस 340 के नीचे ही आएगी। जब तक इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करे बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी होगी। 360 अगेन एक वैल्यू बाइंग जोन हो सकता है, तो बिल्कुल लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को ही देखें।